सहरी के लिए उठे। ये भी एक बरकत हमारी मुंतजर है। नबी रज़वान की हदीस है, तसहरू फइन्न फिस्सुहूर बरकत, सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। बरकत है, ये बरकत है आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, आपके माल में। एक दफा नबी रसूलुल्लाह सहरी फरमा रहे थे, बिलाल हबशी पास से गुजरे, फरमाया कि हलुम्मा इदल खदाइल मुबारक, कि आओ और ये बाबरकत खाना मेरे साथ खाओ, ये बाबरकत खाना मेरे साथ खाओ। तो ये एक बरकत है। ये नबी रसूलुल्लाह की हदीस है कि ये यहूद व नसारा सहरी नहीं करते, तुम उनकी मुखालफत करो और सहरी करो, बाबरकत खाना है। अगर कुछ नहीं खा सकते, चंद घूंट पानी के पियो। और एक हदीस में बेहतरीन सहरी खजूर खाना, दो चार खजूरें खा लो, बाबरकत खाना। ये बरकत हमारी मुंतजर है। कई लोग सो जाते हैं फिर सहरी के उठते नहीं, रोजा रख लेते हैं मगर सहरी के बगैर। तसहरू जो अमर का सीगा है, इससे बाद लोगों ने सहरी के वजूद का इस्तेमाल किया कि सहरी करना वाजिब, सहरी करना वाजिब। तो इतनी ये बरकत रमजान की रातों में हमारी मुंतजर है। और इन्हीं बरकत को कमा हक्को हो बंदा अगर अपनाएगा, हासिल करने की कोशिश करेगा, इसी का नाम तक्वा है।